हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आईआईटी जैम 2021 क्वेश्चंस पेपर केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है हमारा जनरली ये आया है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस से। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस ये कौन से टॉपिक से है? ये है हमारी जनरली पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। ठीक है ना दोस्तों, हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस के ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जब हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, हर टॉपिक को हम डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है आपके आईआईटी के। ठीक है ना, 2021 जो क्वेश्चन पेपर है आपका जैम का, उसके हमें सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर हम सभी को डिटेल में अगर पढ़े हमने तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन शॉर्ट सिर्फ हम लोग एंसर्स की देखेंगे। ठीक है, तो अभी कौन सी रिएक्शन से, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हमें क्या करना होता है, इसमें दो कंसेप्ट होते हैं। कौन सी रिएक्शन से पहले वो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ लिख रहे हैं हम दो पॉसिबिलिटी, एक है 4π इलेक्ट्रॉन, दूसरा है 4n+2π इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, 4π इलेक्ट्रॉन में अगर कंडीशन हीट है हमारे पास, फर्स्ट वाली कंडीशन देखेंगे हम। ठीक, कंडीशन फर्स्ट देखेंगे, अगर हीट दिया है तो हीट में क्या होता है, कौन होगा। हीट दिया है, हीट में क्या होता है, कौन होगा। कंडीशन नंबर टू, अगर एच म्यू दिया है 4π में तो क्या होता है, डिस रोटेशन होता है। कौन सा रोटेशन होगा, डिस। अब देखते हैं 4n+2π इलेक्ट्रॉन में अगर यहाँ हीट दिया है तो इसके अपोजिट यहाँ पे होता है डिस, और अगर यहाँ एच म्यू दिया है तो यहाँ पे होता है कौन। ठीक है ना, कौन किसे कहते हैं और डिस किसे कहते हैं, जनरली कौन यानी क्या होता है, कौन यानी सेम साइड, और हम कह सकते हैं रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, और डिस किसे कहते हैं हम लोग जनरली, डिस किसे कहते हैं, अपोजिट साइड। ठीक है ना, अपोजिट, अपोजिट साइड, और इसे कहेंगे हम लोग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, अब इसी के इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, क्या दिया है कंपाउंड में, हम लोग यहाँ नीचे बना लेंगे पहले कुछ इस तरह से, मॉल्टी दी हुई है। अब ये मिथाइल ग्रुप देखो, एक ये मिथाइल दिया है और एक ये मिथाइल दिया है। ठीक है, दोनों ही मिथाइल एक दूसरे के कैसे है, यहाँ पे ट्रांस है, इस तरह है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ट्रांस है एक दूसरे को। ठीक है, कंडीशंस क्या दी हुई है हमें, 170 डिग्री, यानी क्या कंडीशन है, हीट कंडीशन है। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे कि अगर 4π होगा हीट में क्या होता है, कौन यानी सेम साइड। ठीक है, यानी सेम साइड, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अगर ट्रांस होगा तो ट्रांस ही मिलेंगे। ठीक है, और अगर 4n+2 है, हीट है तो क्या हो जाता है, डिस, डिस में क्या होता है, अगर ट्रांस होंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी सी आना चाहिए। देखते हैं हम लोग कितने पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, देखो ये फर्स्ट पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी रिएक्शन कौन सी हो रही है यहाँ पे, 4n+2π इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, 4n+2π इलेक्ट्रॉन के लिए क्या, हीट के लिए डिस, डिस आया तो क्या होगा, सिंपल 6 मेंबर की रिंग बनेगी, और प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम साइड आएगा। क्यों सेम साइड आएगा, क्योंकि इन्वर्जन हो रहा है, क्यों इन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि 4n+2 रिएक्शन पार्टिसिपेट हो रही है। ठीक है, तो सेम साइड कहा गया है, सेम साइड ये वाला है हमारा इसका आंसर। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों कहाँ का है, पेरीसाइक्लिक से ही पूछा गया है ये वाला भी क्वेश्चंस, और ये जो रिएक्शंस है ये है हमारी डाइल्स अल्डर रिएक्शंस। ठीक है ना दोस्तों, डाइल्स अल्डर रिएक्शन जो है, मैंने अभी रिसेंटली
गेट 2021 सीवाई क्वेश्चन पेपर सीरीज के अंदर मैंने नेचुरल रिएक्शन बहुत ही अच्छे से वहाँ पे समझाया हुआ है, वहाँ थोड़ा डीप में हमने एक्सप्लेन किए, ठीक है ना। आप वहाँ से भी नेचुरल रिएक्शन देख सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, इस रिएक्शन के लिए जो कंसेप्ट लग रहा है हम बस उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अंदर द ब्रीफ में नहीं ले रहा है इसे नेचुरल रिएक्शन। अब जो रिएक्शन ये वाली मॉडिटी ये लेंगे, क्या ये मॉडिटी यहाँ पे दी हुई इस तरह से कुछ, ये मिथाइल डबल बॉन्ड ओएन, ठीक है। क्या दिया है साथ में, डाइन दिया है हमें, ये तो पता है। डाइन किसे कहते हैं, डाइनोफाइल किसे कहते हैं, ये जो है हमारा ये डाइन है और ये डाइनोफाइल है। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ आपको, गेट 2021 में हमारे रिसेंटली जो क्वेश्चन पेपर हमने वहाँ पे डाले है प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें आप डायसिलर रिएक्शन जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे थोड़ा ब्रीफली हमने उसे डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डायनोफाइल से ये, और हमें क्या देखना है यहाँ पे, हम पहले ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहे हैं क्या, पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ पे, यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है और यहाँ से भी पॉसिबिलिटी, सिक्स मेंबर की रिंग बनेगी ही, ठीक है ना। तो आप देखते हैं हमारा इस वाले कार्बन यहाँ से रिएक्शन होंगी या इस वाले कार्बन से रिएक्शन होंगी, ठीक है। अब जनरली डायनोफाइल जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, डायनोफाइल का हमें पता है, डायनोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो ओएनए ग्रुप है ये क्या करेगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ठीक है ना। ये जो दोनों कार्बन है यहाँ पे, इन दोनों की कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होंगी कंपेयर टू इस वाले दोनों ही कार्बन से, क्योंकि यहाँ पे क्या है OME, O क्या है हमारा हेट्रोएटम, लोन पेयर अवेलेबल होते हैं इसके पास, ये क्या करेगा डोनेट करेगा और इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, डेल्टा निगेटिव कैरेक्टर वहां पे ज्यादा शो होगा कंपेयर टू इस मिथिल के। हम कंसिडर करेंगे अगर यहाँ पे डेल्टा निगेटिव दो शो हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ वन ही शो होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही ग्रुप है दोस्तों OME, लेकिन कंपेयर टू OME के ये वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। अब डाइन का नेचर कैसा होता है, ये हमारा होता है न्यूक्लियोफिलिक नेचर में, ठीक है ना। अब ये इसका जो कार्बन है, अब डायनोफाइल का अब हमें देखना है लूमो वाला कार्बन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये कार्बन यहाँ से तो रिएक्शंस पॉसिबल है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इस OME की वजह से, इसलिए यहाँ पे रिएक्शंस नहीं होंगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ वाले ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर देंगे OME के, एक ये वाला ऑप्शन इलिमिनेट हो गया हमारा और एक ये वाला ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। फर्स्ट और टू हमने क्या कर दिए, इलिमिनेट कर दिए, क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ से ए टग नहीं करेगा, ठीक है ना। डायसल्फाइड रिएक्शन में जनरली क्या होता है, टग करना होता है, टग कंसेप्ट होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ से टग नहीं करेगा, ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल्स, इसका भी कार्बन का डेल्टा निगेटिव कैरेक्टर रिपल्शन करेगा आपस में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से टक करने की दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये जो मिथाइल है और ये हाइड्रोजन है यहाँ का, ठीक है ना, ये दोनों सेम साइड में जा रहे हैं, ये दोनों सेम साइड में जा रहे हैं और ये अब इस तरह से अंदर टक करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ लिखते हैं, मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखो ये मिथाइल ले लिए हमने और ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ये ग्रुप एज इट इज, ये ग्रुप यहाँ पे एज इट इज, ये आ गया OME, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है रिएक्शन, ये मिथाइल, ये जो मिथाइल और हाइड्रोजन है आपको दिख रहा होगा दोनों ही सेम साइड को जा रहे हैं, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन दोनों ही किस तरह जा रहे हैं, ये सीन सेम साइड जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि फिर अब वो प्रोडक्ट में भी कहाँ पे कौन सी साइड को रहेंगे, सेम साइड पे ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा हमारा, ठीक है। तो किस इस तरह से रिएक्शंस होती है, देखिए यहाँ पे ये इधर से और ये यहाँ कितने मेंबर की रिंग बनेंगे, यहाँ पे ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स मेंबर की हमें वहां पे रिंग फॉर्मेशन होती है कुछ इस तरह से। ये आ गया हमारा सिक्स मेंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा और मिथाइल और हाइड्रोजन किस तरह से होंगे, मिथाइल भी अप साइड को जाएगा और नीचे का जो हाइड्रोजन है वो भी अप साइड को ही जाएगा, यानी के सीस हो रहा है हमारा प्रोडक्ट। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है ना।
दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया हुआ है जनरली ये है विलियम्स कैरोथर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। विलियम कैरोथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, आई थिंक पेज नंबर कुछ है उसका 164, ठीक है। डाइसल्फाइड रिएक्शन में आप चेक कर सकते हैं कैरोथर्स के अंदर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।